কাকা জল দেবো জল 10 টাকা জল বাদাম মাছের প্যাকেট যাচ্ছে বলে আরে গাবে ভাইয়া জল দেবো 10 টাকা আছে মাথার যন্ত্রণা দাঁতের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে আছেন থাকলে বলবেন তবে এখানে দাঁড়িয়ে বা বসে কোমরে লাগিয়ে পরীক্ষা করে যান কেন থাকলে মাথা तो अभी बारसा स्टेशन में तो हम गए हुए ये वाला ट्रेन से आया दिस इज कॉल्ड मेन भाई बीक दे जा रहा है देखो तो होपफुली अभी पहुंच ही गया हूँ तो यार थोड़ा सा ही रास्ता है ना और बारसात में ना काली पूजा भाई बहुत अच्छे से होता है तो आना पड़ेगा सेल्फी भी आया है सर बॉन्गालो का लाइफ है तो अभी पुली भाई पहुंच गया हूँ सब है মানে আমার জীবদ্দশায় যত স্কুল করেছি সব যে মিশন স্কুলগুলো থাকে প্রথমে ডায়মন্ড হারবার অস্তিন আসেছিস মানব্য মিশন ওখানে গাইডেন্স থাকে चलो दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन यहाँ पे होपफुली चैलेंज सी है ऊपर से नामने के समय बहुत ही डर लगता है क्या ही बोलूँ तो हाँ आने के समय टिकट काट के आया था तो अभी मतलब महाराष्ट्र स्टेशन में पहले टाइम टिकट काट रहा हूँ तो जल्दी से काट लेता हूँ अदरवाइज टीटी आके फिर से धर लेगा तो या पहली बार पर अभी भी ना बहुत ही समय है 11:30 का पूरी ट्रेन है तो बहुत ही ज़्यादा समय है महाराष्ट्र टू बोनगा एकदम तो टिकट तो भाई काटना डन 5 रुपये बचा है तो 5 रुपये सोचा उनको दे आता हूँ उन्होंने मेरा मतलब
बादशाह है ना उनके साथ, तो दे आता हूँ। चलो पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल बारिश हो रहा है। और जय बोलो आसमान में भाई बादल तो देखो। तो उस तरफ कोई सेल्फी तोड़ने में व्यस्त है और क्या ही बोलूं। और इस तरफ इंसानों का हालत देखो, मतलब इंसानों का अंदर आजकल इतना डिप्रेशन बढ़ गया है क्या ही बोलूं। आपका जो परिवार का इंसान है उसको हर समय मोटिवेट करते रहो और बोलो कि सब ठीक है ठीक है। घर ऐसा हो कि लौटने का इच्छा हो और जॉब ऐसा हो कि जाने का इच्छा हो, तो यही मुझे बोलना था। और मुझे जो लगता है दुनिया में भाई कोई नहीं है ठीक है, आप अकेले ही ठीक हो। ऐसा यदि ऐसा आपका अगर इंप्रेशन हो तो आप कभी भी मेंटली डिप्रेस नहीं होगे। चलो अभी मैं 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म में जाते हैं। तो कभी भी कोई इंसान के पीछे नहीं जाओ क्योंकि अगर पड़ जाए तो क्या होगा। बारिश तो बहुत भयानक हो रहा है। तो भाई टीटी तो यहाँ पे है, देखो मैं बोल रहा था ना कि टीटी है। तो या मतलब हर जगह एक ओवर ब्रिज में प्राय 3-4 भाई टीटी है, तो बहुत ही अच्छा एक चीज़ है। अदरवाइज भीग जाऊँगा अगर बाहर जाओ टिकट देख रहे हैं तो, इसीलिए भाई टिकट हर समय कट के जाओ। किस समय आपको बोल गया कि टिकट दिखाओ उस समय आप देखोगे क्या ही बोल। सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉनगलो कल बोला और क्राउड देखो, तो आज थोड़ा सा कम क्राउड है ट्रेन में, तो होपफुली ऐसे ही क्राउड फुल हो जाएगा। भाई आज क्राउड कम है पर सामने का तरफ लग रहा है, पीछे आई डोंट नो, पीछे भी कम है तो चलो, पर बारिशात से होपफुली फुल हो जाएगा। भाई मैं बिल्कुल पीछे हूँ, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे बहुत देर थमेगा। तो आज तो थोड़ा सा क्राउड कम है, होपफुली बारिश शेष होना है और वो जो डाना ना क्या फिर एक तूफान आएगा उसी लिए। तो या देखते हैं जाकर, क्राउड तो कम है आज या। पर वो भाई कितना क्यूट है। तो क्राउड तो है भयानक। तो इस तरफ का बच्चा तो सो गया है, तो क्राउड तो है अभी पर थोड़ा सा ध्यान रख के जाना पड़ रहा है। প্রত্যেক বাড়িতে হয়ে থাকে, কত ছোট সুইচ দেখেন, এর চেয়ে ছোট আর হয় না। এখন সাতটা করে দিয়েছে। তো ইসকা পাপা হ্যায় ইওয়ালা পাপাজি, আর
बेटा और बेटी मुझे लग रहा है कि बेटा तो बेटा है सर तो क्यूट है बहुत। तो यहाँ पे है भाई पापा मम्मी और बेटा। क्राउड तो है बहुत ज्यादा। तो जो भी हो एक तो भाई बैठने का तो जगह पा गया है और जाए हो पर अभी भी होपफुली 30 मिनट्स का रोड है। तो देखते हैं कब पहुंचूंगा। मतलब एक रिव्यू ना भाई कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। देखो तो 30 या 35 ईयर्स में ही लेना जो भी हो। मतलब पापा मम्मी को देख रहा हूँ कितना देर से लाइक देख रहा है बच्चा को और बोला सिस्टर भाई अच्छे से नहीं देखो पूरी कलकत्ता में लेकर गया था तो क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है ना गांव के तरफ तो इसीलिए सब शहर के तरफ जाता है। देखो कितना खुश है तो यही एक अच्छा फीलिंग है और बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। ये दोनों पापा मम्मी और ये नानी जी समथिंग तो यार बाहर पूरी बारिश हो रहा है अभी। पद फूल का खेत आजकल भाई 17 पीस ₹50 में दे रहा है पर इस समय ठंड लग जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो वही जो बोल रहा था मतलब एक बेबी हो तो आप देखो उसका पॉटी बाथरूम सब क्लियर करना पड़ता है। हाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी सब तो भाई नैनी पैनी रखता है पर सबका तो पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी पापा होना कितना भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है। डॉक्टर दिखाना पड़ता है ये दोनों भाई डॉक्टर दिखाने गया था भी बोल रहा था या भाई बहुत बहुत टफ है या पर हंसते हुए आप सभी कर पाओगे आपका बेटा या फिर बेटी के लिए मेरा मम्मी पापा भी सब करा है। तो रियली दिस इज मतलब पॉटी हर समय होता है 2 घंटा उन खाना पड़ता है तो यार अच्छा डॉक्टर दिखाना पड़ता है तो यार। तो अभी बॉन्ड का तो पहुंच गए तो ये दीदी एक बात बोल रहा था कि खुद का प्रॉब्लम नहीं लेकर पढ़ रहा हूँ और किसी का सुनने कोई बात ही नहीं है तो एक मतलब बॉसी लेडी लगा तो बोल रहा था हम सबको कि हर कोई हर कुछ बोलेगा पर मैं सुनता नहीं हूँ। हस्बैंड को बोल रहा था और हम सबको भी बोल रहा था तो यार मुझे अच्छा लगा ऐसा ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए लाइफ या। तो अभी एट लास्ट पहुँच तो गए हैं भाई बेबी देखते देखते आया तो बहुत ही अच्छा लगा। दूर दूर का मैं सब ट्रेन ही ऑफ कर दिया है। आसपास में जो ट्रेन है वो सभी बेसिकली अलाउ करा है। तो बारिश तो हो रहा है बाहर तो देखो सब उठेगा गैस। बारिश तो हल्का पतला हो रहा है तो इसीलिए छत ही मिला लिया तो यार जाते हैं। गंज स्टेशन में भी भाई टीटी है वो देखो ये वाला है टीटी तो यार देख रहा है अच्छा ही लगता है कि ऐसा भाई सिचुएशन है पर मुझे नहीं धरा जाते हैं अभी। तो चलो अभी ट्रेन पट्टी क्रॉस करके जाता है उस तरफ। ट्यूशन तो भाई बहुत ही अच्छा लगा
पर ये ठीक नहीं है, पर यहीं से सब जाता है। तो अभी तो नेक्स्ट लेवल क्राउड है, पर ऐसे ना जो टोटो जाता है वो नहीं जाता है शक्तिगढ़ स्कूल जब मैं जाऊंगा, तो इसीलिए रोड से धरूंगा। चलो अगर हाथ से मोबाइल पट जाए तो बहुत ही बुरा हालत होगा। शक्तिगढ़ स्कूल, शक्तिगढ़ स्कूल। तो एक जन को तो बोल ही रहा हूँ, कोई भी नहीं जा रहा है। शक्तिगढ़ स्कूल लोग हो जाए, कोई भी नहीं जा रहा है, क्या ही बोले। दादा तो सभी भाई अकेले आ रहे हैं ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। तो चलो, तो लाइन देकर टोटो है, तो एक ना एक टोटो तो जाएगा ही, देखता है कौन सा टोटो जाता है। तो या पर शक्तिगढ़ स्कूल में जाऊंगा मैं, और कहीं पे नहीं जाऊंगा, तो इसलिए टोटो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक ना एक तो टोटो जाएगा ही, है ना। तो या तो वहाँ से छोड़कर मैं थोड़ा सा इस तरफ आया हूँ, देखता हूँ जाता है कि नहीं टोटो। तो या तो चलो और थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं, क्योंकि शक्तिगढ़ स्कूल अगर नहीं हो तो मैं नहीं जाऊंगा, हटना पड़ेगा भाई। अगर एक टोटो तो मिलेगा, तो टोटो तो एक एक करके आ ही रहा है, देखता हूँ जाता है कि नहीं। तो हाँ, शक्तिगढ़ स्कूल, तो टोटो टो धर के अभी चलो घर तक आ गए हैं, तो जाते हैं। तो एट लास्ट, पर हल्का पतला बारिश हो रहा था, तो हाँ, पर अभी तक हुकुली हमारा राउंड था घर में नहीं है। अंदाबान निकोबार द्वीपपुंज में घूमने गया था ना, तो या टोटो वाला भाई बार बार पूछ रहा है काबे ना मुंगा काबे ना, तो मैंने कहा शक्तिगढ़ स्कूल से बात बोल रहे, बोला इस रोड से जाओगे तो थोड़ा सा आगे ही ना मालूम सुना सच 15 रुपये बहाने पर। दादा अच्छा था, मुझे अकेले लेकर, मतलब चार जन के साथ लेकर आया, 2-3 जन रामकृष्ण बोली नाम है, एक जन प्रतापगढ़ और मुझे लेकर आया, तो अच्छा लगा। तो चलो, कोई भी लेकर नहीं आ रहा था इस तरफ, कोई भी नहीं आता, तो चलो। तो गाइस अभी मैं घर में तो आ गया हूँ, टोटो में भाई एक मोटर सा महिला मेरे पास बैठा था, मतलब बैठने ही नहीं दे रहा है, एक जगह लेकर बैठा है, घर भाई दर्द कर रहा है। तो जो भी अभी घर में तो आ गया हूँ, तो और हाँ, सब जगह पे ट्रेन प्लेन सब अटका दिया है, क्योंकि वो जो कि दाना एक तूफान आ रहा है, साइक्लोन हमारे इस तरफ, उसी लिए कल से ट्रेन पूरा बंद, आज शाम से ही होपफुली। तो